हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास। माय सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है, हमने वीएलडब्ल्यू का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो उठाया था वो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में हमने कई तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में। आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, सो दैट आप सीरीज में हमारे साथ आगे कंटिन्यू रह सकें। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए नंबर सिस्टम का। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम किससे, प्राइम नंबर्स के। ठीक है, ओके, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स, देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। दो फैक्टर होते हैं, और जो इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिन भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, वो भी डिफाइंड होते हैं। कौन से? एक तो वन होगा और दूसरा क्या होगा? इटसेल्फ। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊं, वो नंबर जो सिर्फ दो नंबर्स के ही टेबल में आते हैं, एक तो वन के टेबल में आते हैं और एक अपने आप के टेबल में आते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बात करता हूं फाइव की, तो आपको पता है वन के टेबल में फाइव आता है, ओके, वन इंटू फाइव फाइव होता है। टू के टेबल में फाइव नहीं आता है, थ्री के टेबल में फाइव नहीं आता है, फोर के टेबल में फाइव नहीं आता है, फाइव के टेबल में फाइव आता है, तो फाइव इंटू वन इज फाइव। तो किस किस के टेबल में आया? एक वन के टेबल में और एक फाइव के टेबल में। तो दो फैक्टर्स है, वो कौन कौन से? एक वन है और एक इटसेल्फ, पांच का अपने आप का फैक्टर। ठीक है, अपना आप इसका फैक्टर है, दो ही फैक्टर्स है। तो इसी तरह से पांच थ्री हो गया, सेवन हो गया, इलेवन हो गया, वो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। आप इसे कईयों को पता भी होगा, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कोई भी चीज बीच में स्किप करना नहीं चाहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्विच टू नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, एंड दैट इज, अब हम बात करेंगे किसकी, कंपोजिट नंबर्स की। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? आप ये साथ साथ में उतारते रहिएगा, ठीक है? हम क्योंकि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो आप दूसरे तरह के नंबर जो हैं जिनके बारे में बात करेंगे, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अब देखो, हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? विच हैव थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स, ठीक है, जिनके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हो। अब जिनके दो फैक्टर हैं वो क्या होंगे? वो तो हमारे प्राइम नंबर होंगे। जिनके दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा क्योंकि या तो तीन होंगे या तीन से ज्यादा होंगे, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे फोर की बात करते हैं, फोर किस किस के टेबल में आता है? वन इंटू फोर फोर होता है, टू इंटू टू फोर होता है, फोर इंटू वन फोर होता है। तो ये तीन के टेबल में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा जैसे सिक्स होगा, ये वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है। मतलब मैंने कहा ना, कम से कम तीन के टेबल में आना चाहिए, चौथे के टेबल में भी आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, पर कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जैसे प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, फोर हो गया, सिक्स हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, फिफ्टीन हो गया, ट्वेंटी हो गया, ये सब क्या है हमारे? कंपोजिट नंबर्स। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर हम फास्ट पर आ रहे हैं, या कोई आपको कहीं भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो कंपोजिट नंबर्स की समझ आई आपको? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अदर टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है? अब इसके बाद बात करेंगे हम कौन से नंबर्स की, परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, परफेक्ट नंबर्स ध्यान से सुनना, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखो, परफेक्ट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर, ध्यान से सुनना, परफेक्ट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनके फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम जो होगा वही नंबर होगा। आपको बताता हूं मैं। देखो, जैसे एक नंबर है, लेट इट बी एट, एक नंबर है। एट के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर का मतलब होता है जिनके टेबल में एट आता है। आपको पता, वन के टेबल में भी एट आता है, टू के टेबल में भी एट आता है, टू फोर जर एट, फोर के टेबल में भी एट आता है, और एट के टेबल में भी एट आता है। अब अपने आप को छोड़ के बाकी फैक्टर्स का सम करो, चार प्लस दो कितना होता है? छह प्लस एक सात होता है। तो सात और आठ बराबर नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। वही हम बात करेंगे सिक्स की, तो सिक्स किस किसके टेबल में आता है? वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, और सिक्स के टेबल में आता है। अपने आप को छोड़ के जो बाकी वाले फैक्टर्स है, वन टू थ्री, तो इनको सम करो, ये कितना आता है? सिक्स आता है। तो सिक्स क्या हमारा परफेक्ट नंबर है?
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, जैसे 28 हमारा नंबर है। 28 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, उसके बाद 4 में आता है, 5 में आता है नहीं आता, 6 में आता है नहीं आता, 7 4 28 होता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है और 28 के टेबल में भी आता है। 28 अपने आप को छोड़ के बाकियों का सम करो तो 14 प्लस 7 कितना होता है? 21, 21 प्लस 4 कितना होगा? 25, 26, 27 और 28, तो 28 भी हमारा क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर हमारा क्या हुआ? वो नंबर जिसके अपने फैक्टर्स का जो सम है, वो अपने आप को छोड़ के जो फैक्टर्स हैं उसके एक्सेप्ट इटसेल्फ जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम अगर वही नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद अब हम एक और टाइप की बात करेंगे। ओके ये ठीक है, अब परफेक्ट नंबर्स हो गए। अब हम परफेक्ट नंबर्स के बाद बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। ओके को प्राइम नंबर्स, देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर एक ही हो, मतलब दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? वन हो। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं 3 और 5। अब 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3। 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर भी कौन सा होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये दोनों क्या है? हमेशा को प्राइम। वैसे ही मैं अगर आपको बात करूं 10 और 11, तो 10 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में, 11 किस में आता है? 1 और 11 में। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये दोनों क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स है। स्टूडेंट आप ध्यान से देखना, हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। जैसे 2 और 3 अगर दो नंबर्स हो तो 2 और 3 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। 7 और 8 कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 8 और 9, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो 1, 2, 4, 8। 9 के क्या होते हैं? 1, 3, 9। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या? 1। मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम का एक पेयर बनाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? और आपको एक और चीज बताता हूँ, दो प्राइम नंबर्स भी आपस में हमेशा को प्राइम होते हैं। रीजन बिंग, क्योंकि एक प्राइम नंबर हमने लिखा तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 1 इटसेल्फ। कोई और प्राइम नंबर लिखा 13, उसका भी क्या फैक्टर होगा? 1 और इटसेल्फ। देखो इटसेल्फ तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, तो 1 इनका हमेशा कॉमन होगा। तो याद रखना, एवरी पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज को प्राइम एंड एवरी कंसेक्यूटिव टू नंबर्स आर को प्राइम। कंसेक्यूटिव दो नंबर्स जो होंगे साथ वाले उनका कॉमन फैक्टर भी 1 होगा, और जो हमारे ये हमारे प्राइम नंबर्स है उनका पेयर भी क्या होगा? हमेशा को प्राइम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो आप साथ साथ में नोट करते रहिए, ठीक है ना। आप पॉज कर सकते हैं बीच में अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, अगर मैं खैर स्क्रीनशॉट वगैरह का मौका दे भी रहा हूँ, बट अगर आपको कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है कुछ, यू हैव एक्सेस कि आप स्पीड अप करें स्पीड डाउन करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे ट्विन प्राइम्स की। हर तरह के नंबर की बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करें हैं तो हम कुछ भी क्यों छोड़ें। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उनको कहते हैं ट्विन प्राइम्स। लाइक जैसे 3 और 5, ये क्या है? ट्विन प्राइम। 5 और 7, ये क्या है? ट्विन प्राइम। 11 और 13, ये क्या है? ट्विन प्राइम्स। 17 और 19, वो क्या है? ट्विन प्राइम्स। देखो ट्विन प्राइम बोलने का दो तरीके, या तो आप ऐसा कहो वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना है? 2 है, या वो प्राइम नंबर्स हैविंग 1 कंपोजिट नंबर इन बिटवीन। अब देखो 17 और 19 के बीच में 18 आता है, और 18 क्या है? कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो दो से ज्यादा के टेबल में आया। अब 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। 11 और 13 के बीच में 12 है, ये 12 किस में? 3 में आता है, 4 में आता है, 2 में आता है। 3 और 5 के बीच में 4 है, सॉरी ये किस किस टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 4 के। 5 और 7 के बीच में क्या है? 6, 1 के, 3 के, 2 के और 6 के। तो दो तरीके बोलने के, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो उनको ट्विन प्राइम कहते हैं, या ऐसा कहो वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो उनको भी ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ट्विन प्राइम भी आपको समझ में आ गया। ओके, ट्विन प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, परफेक्ट नंबर्स हो गए। अब मैं आपको कुछ एक दो चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से ही देखना ये चीज। देखो 1 क्या होगा? प्राइम या कंपोजिट। प्राइम का हमने कहा जिसके 2 फैक्टर होते, कंपोजिट कहा हमने जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते, मतलब 3 और 3+, है ना। 2 से ज्यादा 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा
या कहो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, कॉम्पोजिट उसको कहेंगे, जिसके दो फैक्टर वो क्या होगा, प्राइम होगा, दो से ज्यादा होंगे तो कॉम्पोजिट होंगे। लेकिन अब वन जो नंबर है किस किस के टेबल में आता, वन के टेबल में आता और किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो एक ही फैक्टर है तो एक फैक्टर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वन इज नॉट प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है, दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं और कॉम्पोजिट में तीन या तीन से ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वन का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए वन ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, एक दो पॉइंट अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, क्वेश्चन की बार आता है, तो कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कौन सा होगा, देखो जीरो तो नहीं है, वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, टू क्या है, टू प्राइम है, थ्री क्या है, प्राइम है, फोर क्या है, कॉम्पोजिट है, तो फोर इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये भी अपनी कॉपी में लिखते हैं, फोर इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। और एक और चीज हम कहेंगे, टू इकलौता प्राइम नंबर है, टू इज ओनली इवन प्राइम, इकलौता इवन प्राइम। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली, मुझे दिख रहा है तो मैं लिखते जा रहा हूँ, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना। देखो फोर सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, और उसका टू जो है इकलौता इवन प्राइम है, ठीक है, दो चीजें, और तीसरा मैंने क्या बोला आपको कि वन ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसी के साथ टाइप्स ऑफ नंबर्स आपके कंप्लीट हुए, थोड़ी सी बात करेंगे होल नंबर्स की डिटेल में, क्योंकि होल नंबर आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, होल नंबर्स इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है, प्रॉपर्टीज इनकी कुछ है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि देखो दो कोई भी होल नंबर्स होंगे लाइक ए एंड बी, अगर हम इनको प्लस करें तो जो आंसर आएगा, या ए माइनस बी करें, या ए मल्टीप्लाई बी करें, या ए डिवाइडेड बाई बी करें, तो ये बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए और बी के बीच में हम कोई भी अगर ऑपरेशन लगाएं तो क्या वो होल नंबर ही आएगा, वो चेक करेंगे। एग्जाम्पल लेते टू और थ्री की, टू प्लस थ्री क्या होगा, फाइव, तो प्लस करके हमेशा क्या आ रहा है, दो होल नंबर था, तीन होल नंबर था, प्लस किया तो होल नंबर ही आ रहा है, तो प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। अब माइनस की बात करते हैं, ए माइनस बी, वही टू माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन, माइनस वन हमारा होल नंबर नहीं है, तो माइनस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है होल नंबर्स के लिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई में टू इंटू थ्री वो क्या होता है, सिक्स, तो सिक्स क्या आपका होल नंबर है, तो आप और नंबर्स पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है, तो आप और नंबर्स पे भी चेक करोगे तो हर जगह ये सेटिस्फाई करेगा रूल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सिक्स क्या है, होल नंबर है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब ए डिवाइडेड बाई बाई टू बाई थ्री होगा, टू बाई थ्री किया तो आपका 0.66, और 0.66 आपका होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इधर से पता लगता हमें, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी किस किस में फॉलो करती है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में, ठीक है, होल नंबर्स में। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब माइनस कर रहे हैं तो टू माइनस थ्री क्या होता है, टू भी होल नंबर है, थ्री भी होल नंबर है, लेकिन माइनस करके जो नंबर आ रहा है माइनस वन, वो क्या है, हमारा होल नंबर नहीं। वहीं जब डिवाइड कर रहे हैं तो टू बाई थ्री आ रहा है, वो भी हमारा होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट अच्छे समझ में आए, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आएगी कौन सी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बस कुछ ऐसा ही बोलती है कि लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा या नहीं होगा, ठीक है, वैसे ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होगा नहीं होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा नहीं होगा, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए होगा या नहीं होगा। वहीं हम ए को टू मान लेते हैं, बी को थ्री मान लेते हैं। अब देखो टू प्लस थ्री कितना होता है, टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव, और थ्री प्लस टू कितना होगा, फाइव, तो दोनों साइड क्या है, फाइव फाइव ही आ रहा था, इसमें ये प्रॉपर्टी सेट बैठेगी। इसको देखो, ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू थ्री है, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव, और थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, क्योंकि बी थ्री है ना, तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव, तो दोनों में सेटिस्फाई कर रही ना, फाइव इक्वल टू फाइव आ रहा है। वहीं टू इंटू थ्री क्या होगा, सिक्स, और थ्री इंटू टू क्या होगा, वो भी सिक्स, तो इसमें भी ये सेटिस्फाई करेगी, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू, ठीक है ना, इधर भी सिक्स आ रहा है, इधर भी सिक्स आ रहा है। अब इधर बात करते हैं, टू माइनस थ्री क्या होता है, माइनस वन, लेकिन थ्री माइनस टू क्या होता है,
वन, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी नहीं बैठ रही माइनस में। डिवाइड की बात करते हैं, टू डिवाइड बाई थ्री क्या होगा, टू बाई थ्री, और थ्री डिवाइड बाई टू क्या होगा, थ्री बाई टू, तो टू बाई थ्री और थ्री बाई टू आपस में बराबर नहीं होते, तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ आपके प्लस और मल्टीप्लाई में ही काम करेगी। समझ में आया स्टूडेंट? चलो होपफुली आप लिख रहे हैं साथ साथ में, है ना, तभी मैं नोट्स वगैरह नहीं ऐसे पीडीएफ से नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद उस पर कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो मेरे को इसलिए आई डोंट गो फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो एसोसिएट कर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें क्या करते हैं, पहले हम इन दो को एसोसिएट करके सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को करते हैं, क्या फर्क पड़ता है ब्रैकेट से, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, अब देखो ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, चलो अब हम ए को क्या मान लेते हैं, टू, बी को मान लेते हैं फोर, सी को क्या मान लेते हैं सिक्स, हम कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट ये यूज करना है। अब देखो टू प्लस फोर प्लस सिक्स कितना होगा, टू प्लस फोर प्लस सिक्स, एक्चुअली बड़ोमास का रूल आता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, छह प्लस चार कितना, दस, दस प्लस दो बारह, वैसे ही इधर दो प्लस चार प्लस छह, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, चार प्लस दो छह, छह प्लस छह बारह, तो बारह इंटू बारह आ रहा है, इट मीन्स यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई की, टू इंटू फोर इंटू सिक्स, और इधर क्या आएगा, टू इंटू फोर इंटू सिक्स, टू इंटू फोर सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू टू कितना होगा, फोर्टी एट, वैसे ही यहाँ फोर टू सर एट, एट इंटू सिक्स क्या होगा, फोर्टी एट, फोर्टी एट, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी सेट बैठ रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ भी ये प्रॉपर्टी सेट बैठ रही है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। अब माइनस की बात करते हैं, टू माइनस फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस फोर माइनस सिक्स, देखो फोर माइनस सिक्स क्या होगा, माइनस टू, और टू माइनस माइनस टू क्या होगा, टू प्लस टू, दैट इज फोर। ठीक है, टू माइनस फोर माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स क्या होगा, माइनस टू, माइनस टू और टू माइनस क्या होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। यहीं पर हम यहाँ पर बात करें, टू माइनस फोर क्या होगा, माइनस टू और माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस एट, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं वर्क करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में नहीं काम करती। डिवाइड की बात करते हैं, टू डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई सिक्स, अब फोर डिवाइडेड बाई सिक्स क्या होगा, फोर बाई सिक्स, फोर बाई सिक्स, फोर बाई सिक्स टू डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू टू बाई फोर डिवाइडेड बाई सिक्स। अब ध्यान से देखना, टू फोर बाई सिक्स क्या होगा, टू बाई थ्री, अब टू डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना ये रूल बता रहा हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, टू इंटू सिक्स बाई फोर हो जाएगा, तो ये टू से टू कैंसिल, सिक्स बाई टू ये आंसर आएगा थ्री। समझ में आया क्या किया मैंने, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जैसे टू डिवाइडेड बाई फोर बाई सिक्स लिखा है, अगर मैं टू को मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिक्स बाई फोर हो जाएगा, तो सिक्स फोर टू ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई फोर क्या होता है, आंसर थ्री आता है। और इस तरफ की बात करें तो 2 बाई फोर डिवाइडेड बाई सिक्स है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 बाई फोर डिवाइडेड बाई सिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई फोर इंटू वन बाई सिक्स हो जाएगा, तो 2 टू जर ये 1 बाई ट्वेल्व आ जाएगा, तो एक तरफ आ रहा 3, एक तरफ आ रहा 1 बाई ट्वेल्व, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव काम नहीं करेगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या करेगी, मल्टीप्लाई और प्लस में ही सिर्फ काम करेगी। ठीक है, होल नंबर्स के लिए। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी अब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ईजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सिर्फ बताती है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जैसे a प्लस बी इंटू सी होगा तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, a प्लस ये इस तरीके से लिखेंगे, a इंटू बी प्लस सी, तो ये कैसे करेंगे, a इंटू बी, बीच वाला साइन आएगा a इंटू सी ऐसे, ठीक है, तो अगर बीच में माइनस होगा a इंटू b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी, इसको पहले से मल्टीप्लाई करो, बीच का साइन लगाओ माइनस, फिर a इंटू सी, इंटू सी, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ आए स्टूडेंट्स, तो इतनी प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ, ऐसे ही है वो, ठीक है, एक मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, वो क्या कहता है कि किसी भी होल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो होल नंबर सेम ही रहता है. वैसे ही एक एडिटिव भी है आइडेंटिटी, वो क्या कहती है किसी भी होल नंबर से अगर आप 0 ऐड करो तो वैल्यू सेम रहती है. मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर सेम रहेगा, ये कहती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. और किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वो नंबर सेम रहेगा, ये कहती है आपकी क्या एडिटिव आइडेंटिटी. तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी होल नंबर्स की सारी इंपॉर्टेंट मेरे मतलब की प्रॉपर्टीज करवा दी है, नंबर सिस्टम के हर तरह के नंबर की भी बात कर दी है. तो इसी तरीके से आपका नंबर सिस्टम का जो होल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और जो नंबर्स के टाइप्स थे वो सब यहीं पर खत्म हो जाते हैं. तो इसी तरीके से हमारी सीरीज आती रहेगी, धीरे धीरे वीडियोस और फास्टली हम काम करेंगे आपके लिए कि जल्द से जल्द ज़्यादा वीडियो लेके आए. थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि शुरुआत किया अभी जस्ट हमें, तो कई दिक्कतें भी आती हैं बैक एंड पर, बट वी विल रेक्टिफाई इट सून. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग प्रथम एक विश्वास. थैंक यू सो मच.